कृष्ण को पराजय करने में आप दक्ष हैं, अर्थात कृष्ण पराभव जनेन हासेन शोभनम मनोहरम मुखम जस्या। आप श्री कृष्ण को पराभव करने में आपका मुखमंडल शोभन युक्त हो रहा है। मदन केली विभ्रमे, श्री कृष्ण के साथ कंदर्प लीला विभ्रमे, मत्या भवत्या
उनके साथ आप जो लीला की हैं सरसिजेन ताड़ितम माधवम भिक्षे, उस समय प्यारे श्याम सुंदर को आपने अपने लीला कमल से प्रताड़ित किया। लीला पदे न प्रहारितम कृष्णम दृष्ट्वा तु इयम किम गुढ़ हास वदना भविष्यति, क्या मैं वैसा मंद मुस्कान पुनः देख पाऊंगी। विलाप पुष्पांजलि में मिलन और विरह दोनों एक साथ चल रहे हैं। जब तक रात्रि नहीं होगी तो दिन का मजा नहीं है, यदि दुख न हो तो सुख की अनुभूति नहीं होगी, यदि विरह न हो तो मिलन का आनंद नहीं है, एक साथ चलेगा। मिलन में जो आनंद है वो आनंद विरह ही देता है, हमेशा मिले रहेंगे तो आनंद मिलेगा। यदि किसी को खीर दे दिया जाए खाने के लिए तो बीच बीच में चटनी खाता है तो खीर थोड़ा स्वादिष्ट है, इसलिए कहते हैं कि बिना विप्रलम्भे न बिना विप्रलम्भ के संभोग पुष्ट नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने मान प्रणय विरह इत्यादि वर्णन किया है। नया रस मिलता है, नित्य नूतन रस। रघुनाथ दास गोस्वामी विरह के बाद जो गाढ़ स्मृति होती है वो आनंद मिलता है। विरह से क्या होता है तो कहते हैं आनंदमय प्रेममय सौंदर्यमय माधुर्यमय भगवान की ये लीला बन जाती, वही लीला उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। इसीलिए बीच बीच में विरह, विरह बहुत जरूरी है, विरह नहीं होगा तो मिलन का सुख। तो भगवत प्रेमी महापुरुषों ने इस रस का वर्णन किया है। यदि नरक स्वर्ग दुख ये सब क्या है, इंद्रजाल है, माया है, कुछ है नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। ये संसार इंद्रजाल जैसा है, स्वर्ग नरक इंद्रजाल की तरह स्वप्न लगते हैं, बादल कट जाता है। जिस रस को प्राप्त कर लेने के बाद मुक्ति भी कपटता दिखती, हम भजन करके स्वर्ग क्यों जाए, स्वर्ग तो है नहीं, स्वर्ग तो सपना है, केवल दिख रहा है, स्वर्ग तो है नहीं। यहाँ तक कि जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो मुक्ति भी कपट लगता है, उसको भी भक्त लोग नहीं चाहते। और भगवान का भजन करते करते एक पुरुषाभिमान है वो भी नष्ट हो जाता है। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर हैं और मैं उनकी दासी हूं, यह भाव आ जाता है। और जब तक पुरुष भाव जाएगा नहीं तब तक मंजरी भाव पुष्ट होता नहीं। पुरुष भाव का अर्थ होता है सेवा लेने की भाव, हम किसी से कुछ सेवा लें, यह भाव जब तक रहेगा तब तक मंजरी भाव की प्राप्ति नहीं होगी, मिल ही नहीं सकती है। मंजरी भाव का अर्थ होता है सेवा भाव, सेवा करना ही तो मंजरी भाव, और लेना क्या है पुरुषायित भाव। उसी भाव में आविष्ट होकर ब्रज रस की ब्रज निष्ठा पालन करना, उस भाव में मैं प्रिया जी की दासी हूँ, सखी मंजरी हूँ। देखिए हम लोग जहाँ की चर्चा कर रहे हैं वहाँ वैराग वैराग कुछ है, वैराग ज्ञान वैराग बहुत पीछे छूट गया। जहाँ आचार्य चरण हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जिस रस की अनुभूति कर रहे हैं राधा कुंड के तट पर,
तो वैराग करना पड़ता है। आप उस रस को प्राप्त करने के बाद वैराग की भी याद नहीं रहती, भूल गए क्या है। प्रिया जी की एक ही लक्ष्य रह जाता है, प्रिया जी की प्रसन्नता, प्रिया जी की स्वरूप, उनके अतिरिक्त अब कुछ नहीं। राधा माधव के रूप गुण लीला सिंधु में भक्त लोग हमेशा उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। यही है साधना की चरम स्थिति, जिस रस में स्वामी हरिदास रहते थे, जिस रस में श्रील रूप गोस्वामी पाए रहते थे, श्री सनातन गोस्वामी रहते। वे महापुरुष लोग वैराग्य किए नहीं, ज्ञान ये सब छूट गया, एक ही लक्ष्य रह गया, बस अटूट सौंदर्य माधुर्य मय प्रिया लाल का दिव्य विहार, इसके अतिरिक्त अब कुछ नहीं। वही प्रेममय गौर सुंदर श्री गौरांग महाप्रभु इस रस की उपासना का इस जगत में प्रचार किए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जो आए तो वही प्रेम देने के लिए, ज्ञान वैराग्य महाप्रभु का लक्ष्य नहीं था, किसी को वैरागी बना दो ज्ञान ये देने लक्ष्य नहीं, लक्ष्य था भगवत प्रेम, भगवत प्रेम मिले। और उनके खास करके जो प्रिय पार्षद हैं श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पर, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों का रसमय जीवन है। स्वयं आचरण कर इस रसमय उपासना को जगत की शिक्षा दी है, विश्ववासियों को दिखलाया है कि प्रेम कैसे किया जाता है। प्रेम की शिक्षा के लिए महाप्रभु आए थे। इन लोगों की उपासना, भाव परिपाटी, बात श्रवण कीर्तन, उन महापुरुषों की चर्चा करने से इस रस के साधकों को यह सब वस्तु मिलता है। हम लोग कल श्रवण किए थे कि प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी की केश संवार रहे, श्रवण किए थे केश संवार रहे, ऐसी केस बनाए, ऐसा केस संवारे ठाकुर जी की, उस केस को देख करके सखी मंजरियां भी कही कि वो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इतना सुंदर हम लोग सेवा नहीं कर सकते। प्रिया जी उस केस विन्यास को देख करके प्रसन्न हो गए और सोची कि इसके बदले में मैं क्या दूँ इनको, आलिंगन दान। आलिंगन अर्थ मैं अपने आप को दे रही हूँ, आपकी दी हुई वस्तु हमें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, यही भगवान से भक्त लोग करते। भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो भक्त लोग उनसे कुछ नहीं चाहते, उनको चाहते, उनकी सेवा चाहते हैं, उनका कीर्तन चाहते हैं। प्यारे श्याम सुंदर उस लीला में निमग्न, प्रियालाल की दिव्य विहार चल रहा है राधा कुंड के तरफ। असल बात है राधा रानी ही भगवान की गुरु हैं, सहायक हैं, शिक्षक हैं। प्रेम कैसे किया जाता है एक किशोरी जी ही प्यारे श्याम सुंदर को बताते हैं, प्रेम की देवता है। कुछ कुछ महापुरुष लोग कहते हैं किशोरी जी त्याग की मूर्ति है, त्याग सिखलाने के लिए ही किशोरी जी इस जगत में आए। त्याग कैसे किया जाता है, स्वामिनी अध्यापिका हैं और श्री कृष्ण शिक्षक हैं इस राज, प्रेम राज के गुरु कौन है प्रिया जी और शिष्य कौन है श्री कृष्ण। विदग्ध माधव नाटक में लिखा गया है कि एक बार वृंदा सखी राधा रानी वृंदा सखी से पूछती है कि कस्मात वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलम कुतौषम कुंडारण्ये किमिह कुरुते नित्य शिक्षा गुरु का। पूछी वृंदा सखी से राधा रानी पूछती हैं कि अरे वृंदे तू कहाँ से आ रही, तो वृंदा कहती है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमल से आ रहे, कृष्ण के पास से आ रहे।
तो राधारा ने पूछी कि कृष्ण कहाँ है, तो वृंदा वो वृंदा सखी कहती है कि राधा कुंड के तटवर्ती कुंज में। तो फिर राधा रानी पूछती है कि क्या कर रहे हैं कृष्ण वहां पर, क्या कर रहे हैं? तो वृंदा सखी कहे कि वो नृत्य सीख रहे हैं। तो पूछी कि इनका गुरु कौन है, राधा रानी पूछी कि इनका गुरु कौन है, किससे सीख रहे हैं? तो वृंदा कहती है त्वं त्वं मूर्ति प्रतितरुतलं दिग्दिक्षु स्फुरन्ति सैसु लीसु भ्रमरि परतो नर्तयन्ति सुपश्चात्। आपकी मूर्ति ही प्रत्येक तरुलता के नीचे है और उसी मूर्ति को अपना गुरु बना करके नृत्य शिक्षा कर। श्री कृष्ण प्रिया जी से सीखते हैं सब कुछ, सब कुछ की कला राधा रानी से ही श्याम सुंदर सीखे। ये भगवान है पूर्णानंद, सारे संसार को आनंद श्री कृष्ण देते हैं। जिसको भी जो भी आनंद है वो कृष्ण से ही मिलता है। पूर्णानंद मयामी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमियामा पुराय उन्मत। राधा रानी का प्यार श्री कृष्ण को पागल बना देता है। जित देखो तित राधा, जहाँ देखते हैं वहाँ केवल राधा रानी ही देखते हैं। राधा रानी से ही कृष्ण को सुख मिलता है। यहाँ तक कहते हैं ना जाने राधारे प्रेम अच्छे कौत बोल जे बोले अमार परे सर्वदा प्रबल। हम सर्वज्ञ होते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी आज तक यह नहीं जान पाया कि राधा रानी के पास कौन ऐसा बल है जिस बल से मैं पागल होकर के घूमता रहता। राधिकार प्रेम गुरु, श्री कृष्ण के प्रेम गुरु कौन है? किशोरी श्रीमती राधा रानी। और श्री कृष्ण कौन है? तो आमी शिष्य नट भगवान नट। सादा आमा नाना नृत्य नचाए उद्भट। भगवान का जितना भी अवतार है बरा शुकर नृसिंह ये सब प्रिया जी के कहने पर ही भगवान लेते हैं अवतार। यहाँ तक भगवान कहते हैं कि हमको जो हमें जो आनंद है प्रेम है ये सब आनंद राधा रानी से ही मेरे पास आता है। ठाकुर जी की निज प्रेमा स्वादे मोर है जे हलाद। हमें जो आनंद है वो ताहा है ते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद, उससे करोड़ गुना अधिक सुख राधा रानी। राधा माधव निवृत्त निकुंज में जो लीला है यही लीला है, किशोरी जी की ये लीला है। निकुंज में भगवान क्या करते हैं तो यही करते हैं, राधा रानी के चरण कमल की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण कौन है? तो विभु सर्वव्यापक। विभु का अर्थ होता है जिससे बड़ा कोई नहीं, पूर्ण। लेकिन राधा रानी को देखते ही भगवान में बढ़ने लगते हैं, वो विभु में भी वर्धनशील हो जाता है। यदि किशोरी जी जगत में नहीं हो आई होती तो श्री कृष्ण कैशोर लीला को सफल नहीं कर पाते। जैसे बात्सल्य के आवेश ब्रजरानी यशोदा जी के चलते उनको प्राप्त हुआ, कौमार सफल किए गोप बालकों के साथ, पौगंड इत्यादि गोचारण इत्यादि में किए, लेकिन राधिकादि लैया कैल रासादि विलास वांछा भरी अस्वादित रसे रनिर्यास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं किशोरी जी के संग पाकर के ठाकुर जी ने अपने किशोर लीला सफल की। कैशोर वयस काम जगत सकल सारा संसार रास शादी लीला तीन करी लो सफल। ये मधुर लीला यदि नहीं हुआ होता जगत में तो ये सारा संसार अधूरा रह जाता। प्रेम के बिना सारा जगत अधूरा है। कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरे।
अपना जीवन को सफल बनाए प्यारे श्याम सुंदर किशोरी जी की श्री लीला के द्वारा। इसका परम आश्रय कौन है? तो श्री किशोरी श्रीमती राधा रानी। ये राधिका राधा रानी इसकी आश्रय सही प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय आश्रय और अवलंबन यही है दोनों। सही प्रेमार आमी है केवल विषय विषय और आश्रय ये दोनों जगत में ये प्रिया लाल का ही लीला चल रहा है। विषय जाति सुख अमार आस्वाद आमा है के कोटि गुण आश्रय आला। ये जगत में विषयालंबन और आश्रय अवलंबन ये दोनों प्रिया लाल है दोनों एक दूसरे के रस है ना रस की। और यदि थोड़ा सा भी इस जगत में श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि में आस्वाद आता है आनंद आता है तो ये केवल आश्रय जाति सुख तभी से ही प्रेमानंद अनुभव है। ये प्रेमानंद का अनुभव होता है यदि ये नहीं हुआ होता तो प्रेमानंद का आश्रय नहीं। ये दोनों एक ही है दोनों एक आश्रय कभी बन जाते हैं कभी विषयालंबन आश्रय दोनों चकोर है और दोनों चंद्रमा कभी प्रिया जी चकोर बन जाती हैं और प्यारे श्याम सुंदर चंद्रमा बन जाते हैं कभी प्रिया जी चंद्रमा बन जाती हैं और श्याम सुंदर चकोर बन जाते यही लीला है यही दो चकोर दो चंद्रमा दोनों हैं दोनों चकोर दोनों भावरा हैं और दोनों कमल के फूल दो चातक हैं दोनों लोग चातक हैं और दोनों मेघ आश्रय राधा दोनों लोग मछली हैं और दोनों लोग जल मछली जल के बिना नहीं रह सकती ये दोनों हैं दोनों आश्रय हैं और दोनों अवलंबन आश्रय अवलंबन और विषय अवलंबन दोनों एक दूसरे के दोनों प्रेमी हैं और दोनों प्रेमास्पद हैं। ये राधा कुंड के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा माधव निवृत्त निकुंज में इस लीला का स्वादन कर रहे हैं। लीला स्वादन करने के लिए ही एक प्रेमी बन जाता है और एक प्रेमास्पद बन जाता है और दोनों के रस से जो आनंद निकलता है उस रस का आस्वादन गोपियां करती हैं। कभी प्रिया जी श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं कभी श्री कृष्ण प्रिया जी की स्तुति करते हैं तुम हो कहते हैं तुम हो तेरे अतिरिक्त कोई नहीं है तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है यही है यही लीला है ना ये प्रेम का लीला यही है ना बीच में कोई नहीं यही है यही इसी को निकुंज रस कहते बस एक दूसरे के बिना कोई रस दोनों मछली बन जाते हैं राधा रानी कभी पुरुष बन जाती हैं श्री कृष्ण की स्त्री गोपी बन जाते हैं कभी कृष्ण गोपी बन जाते हैं कभी राधा रानी स्त्री बन जाते हैं ऐसे लीला चलता है। दो चकोर दो चंद्रमा चकोर दो चंद्रमा दो बलि पंकज दो 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 चातक दो मेघ प्रिय दो मछली जल दो यही प्रिया लाल है लाल प्रिया जो प्रिया लाल जो यही कभी लाल प्रिया जी बन जाती हैं कभी प्रिया लाल कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं रस की सिंचा कभी भी प्रलंब कभी मिलन इनका लीला चलता है। आश्रयालंबन दो विषयालंबन दो प्रेमी प्रेमास्पद दो तत् सुख सुखिया दो दोनों एक दूसरे के सुख के लिए जी रहे हैं यही है यही
प्रेम गली यति साखरिया में दोन समाय। प्रेम जिस रस के आस्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु है, बस और दो नहीं एक हो। लाल प्रिया जो प्रिया लाल जो दोनों मिलकर गौर हो केवल। अब इतना दिन तक कहते रह गए कि एक हाँ कलयुग में आकर दिखा दी, देखो हम श्री गौर महाप्रभु कौन है। वही आश्रयालंबन दो विषयालंबन दो, प्रेमी प्रेमास्पद दो तत् सुख सुखिया दो। तब ये क्यों अलग अलग क्यों कहते हैं ऐसा, जब दोनों एक ही हैं तो अलग अलग क्यों देखते हैं। तब कहते हैं नीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज। लीला आस्वादन करने के एकाकी न रमत, अकेले मैं रमण नहीं कर सकता हूँ, ये पूरा विश्व प्रपंच बनाए हैं भगवान अपने आनंद के लिए। हम लोग झूठ झूठ उनसे अलग होकर सोते हैं मेरा ही संसार है कहाँ, ये सारा जितना संसार में है कछुआ बिल्ली पेड़ पौधा आदमी मनुष्य देवता पितर भूत ये सब कृष्ण अपने सुख के लिए बनाए। ये ठाकुर जी का खिलौना है पूरा, और उसको हम लोग समझ रहे हैं तो कहते हैं मर हमारा हमारा घर हमारा द्वार है, तब मरना चाहिए। और जब समझेंगे कि सब श्री कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो कितना आनंद है। टेंशन दूर हो गया, कोई अब टेंशन नहीं, अब टेंशन ही नहीं रहेगा। अरे पैसा कमाओ रोटी खिलाओ मकान बनाओ, टेंशन ही नहीं, सब प्रभु की लीला है। कब इस शरीर से विदा होना है तो कोई जानता नहीं। यह समझ करके यदि संसार में रहेंगे तो कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा, ऐसा समझ कर। ये महापुरुषों की जो मस्ती है, महापुरुष लोग मस्त होते हैं, वह कोई चिंता है, ये समझ कर बस। यदि ये मस्ती चाहिए तो मस्त होना चाहता तू, यदि मस्त होना है प्रिया जी के और सेवक भी बनना है तो तू हर तरह बर्बाद हो। बर्बाद माने कि कुछ मत मानो अपना, बस मस्त होना चाहता तू हर तरह बर्बाद। यही दुनिया दुरंगी तर्क कर, ये दुरंगी दुनिया से तू तर्क कर ले, दूर भाग जा, अब फिक्र से आजाद। यही महापुरुषों की रहनी, फिकीर फाक फकनी करे ता करना न फकीर। फकीर कौन है, महात्मा किसको कहते हैं जो सारा फिकीर को हटा दिया। यही है आदमी, यही है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी, सारा फिकीर को खा गए, एक ही फिकीर रह गया प्रिया जी। प्रिया जी के अतिरिक्त अब कुछ रहा ही, यही है। महात्मा लोग मस्त रहते हैं, जहां है मस्त है। दुनिया का मजा है बेफिक्र होना ही दोस्त। अरे भाई भजन करना है तो फिकिर और भजन दोनों एक तरह नहीं होगा। भजन भी करे और फिकिर भी करे संसार का मेरा क्या होगा, वो भजन क्या करे। फिकिर को छोड़ना है, फिकिर तभी छूटेगा जब समझेगी कि सब कुछ प्रिया जी का खिलौना है, सारा जगत उनका है, हम तो इस जगत में उनका खिलौना बनकर खिलौना थोड़े चिंता करता है, खिलौना चिंता करता है कभी, ये सब खिलौना तो चिंता कौन करता है। खिलौना चिंता करे लगे तो खेलेंगे, खिलौना यदि चिंता करे तो खेल मजा नहीं आएगा ना। यही है दुनिया दुरंगी तर्क करो फिक्र से आजाद, अलमस्त आजाद फकीरों का कोई क्या समझे कोई क्या समझे, दुनिया की निगाहें बदल गई कोई क्या समझे कोई क्या समझे। यही है मस्त, संसार में रहते हुए महात्मा पूरा उससे परे है, क्योंकि संसारी अब फिकिर नहीं रहे, जहां है वहीं पड़े हुए हैं, न खाने की चिंता न रहने की चिंता कोई नहीं, खाना मिल जाए तो खाना खा ले,
नहीं तो कोई चिंता नहीं, घंटी बजेगा तो भोजन में जाएंगे, कोई चिंता नहीं, वो मस्त रहते। कितना दिन बिना खाए रहेंगे, खाना अपने आप आएगा, वो तो खाना तैयार है, आपका प्रारब्ध आपके पास ला देगा। देखिए दो प्रकार का प्रारब्ध, एक प्रारब्ध के पास जाते हैं, जो प्रारब्ध को छोड़ देता है प्रारब्ध ही उसके पास आ जाता है। हम लोग दौड़ दौड़ करके अपना पैसा इकट्ठा करके लाओ ला, अब महात्मा लोग छोड़ दिए तो पैसा ही आ जाता है, आ जाए प्रारब्ध अपने आप आए, वो तो आएगा। आपके जो भाग्य में जो कुछ भी लिख दिया है, जद धाता निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महदबाधन, जो भी विधाता ने आपको लिख दिया है वो मिलेगा, उसको हटा को नहीं सकता, निश्चित मिलेगा। आप काम करो तब या नहीं करो तब तुम्हारे प्रारब्ध तुमको छोड़ नहीं सकता। शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसे गाय का बछड़ा छोड़ दीजिए तो गाय का बछड़ा अपने माँ को खोज लेता है, आपका कर्म आपको खोज लेगा, आप जो जो कर्म करके आए हैं उसका फल आपको खोज लेगा। बुखार आपको नहीं आएगा, दूसरे आपके मित्र को नहीं आएगा, आपका जो कर्म है वो आपके साथ आएगा। तो जैसे दुख बिना बुलाए आपके पास आ जाता है, वैसे सुख भी आपके पास आ जाए। कोई प्रयत्न करता है एक माला कर लो मुझे बहुत दिन से बुखार नहीं आया, आ जाए, कोई करता है क्या? बिना बुलाए जैसे दुख आपके पास आ जाता है वैसे सुख भी बिना बुलाए आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, संसार से निश्चिंत होगे तब भजन हो। चिंता रह करके भजन हो नहीं सकता, एक मत मान। संसार की चिंता है और हम भगवान का भजन कभी भी हो नहीं सकता। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं बस जिंदगी का मजा है बेफिक्र होना ही, और खुद परस्ती है बेफिक्री मुस्त रहना ही। खुदा की सबसे बड़ी पूजा है बेफिक्र हो। कृष्ण की यदि कोई पूजा करता है तो फिक्र हटाना पड़ेगा, यहाँ घंटी कर रहा है यहाँ दूसरे चिंता है तो भजन नहीं। कृष्ण है ना, कृष्ण बड़ा उत्साह है कि एक सब मन को मेरे में लगा, थोड़ा मन इधर उधर दो तो खुश नहीं, सब कुछ करना है। इसलिए ठाकुर जी को देखना है तो हर जगह देखना, हर वस्तु में देखना है। देख ले, देख लो, देख ले हर शय में मैं, सब जगह मैं, मेरी आराधना करना है करो, मैं कौन ऐसा जगह हूं जहां नहीं, सभी जगह में मैं, ये यदि प्राप्त करना है। ये आश्रयालंबन और विषयालंबन दोनों श्री कृष्ण रस के आस्वादन करने के लिए, इसलिए महापुरुष लोग अपने को राधा